तो बच्चों आज के वीडियो में मैं क्लास सेवंथ और मेंटल मैथ मैंने लिया है चैप्टर सिक्स का नेक्स्ट पार्ट करने वाला क्वेश्चन नंबर बच्चों आज हम करने वाले 21 से 25 तक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आप ये ना समझना कि मेंटल मैथ में है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, एमसीक्यू में आ सकते हैं। और अगर आप मेंटल मैथ क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो फिर तो आपका कहना ही क्या, फिर तो ये काफी हेल्पफुल आपके लिए है। और हाँ, ये जरूरी नहीं है, देखो कुछ बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उनके पास मैथ अलग है, लेकिन अगर वो भी मेंटल मैथ से प्रैक्टिस करें, ठीक है, मेंटल मैथ से प्रैक्टिस करें तो भी वो मैथ में एक्सपर्ट हो जाते हैं, क्योंकि मैथ एक मेन सब्जेक्ट होता है। देखो सब्जेक्ट होते हैं हिंदी इंग्लिश साइंस वगैरह ये सब होते हैं, लेकिन इन सब में जो मेन सब्जेक्ट होता है वो मैथ होता है, क्योंकि साइंस भी बिना मैथ के इनकम्प्लीट है, कोई भी सब्जेक्ट इनकम्प्लीट है विदाउट मैथ के, ठीक है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो सभी में मैथ की जरूरत होती है। तो बच्चों मैथ को आप हल्के में ना लें, खासकर मेंटल मैथ को। तो मेंटल मैथ एक ऐसा मैथ है, सभी मैथ्स का बाप है, ठीक है। तो आप इसमें से प्रैक्टिस जरूर करें। मैं तो देखो भाई, मेरी इच्छा ये होती है, मैं वीडियो बनाता हूँ आप सभी बच्चों के लिए, मेरी इच्छा होती है जो भी बच्चा मेरी वीडियो देखता है, ठीक है ना, वो प्रैक्टिस करे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा करे, अपने किसी फ्रेंड को बता सकते हैं, उसको बताएंगे तो आपकी प्रैक्टिस होती है। ये मत समझना कि मैंने अगर इसको बता दिया तो उसकी ज्यादा नंबर आ गए, तो ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचना। नॉलेज को जितना आप शेयर करेंगे उतनी आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, उतनी ही नॉलेज आपकी इंक्रीज होगी। तो बच्चों ये जो मैं आपको करा रहा हूँ मेंटल मैथ, तो आप, मैं तो दिल से चाहता हूँ, देखो बच्चों आपके पेरेंट्स भी दिल से चाहते हैं कि आप क्लास में नंबर वन आए, सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि नंबर वन आए, लेकिन नंबर वन कौन आएगा, जो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। मिलते हैं टेबल पर और करते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, ये रहा आपके सामने, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूं, और ज्यादा हो गया, बस 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 काफी है, ठीक है ना, इसलिए करता हूं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिए, अरे पेन क्या खराब हो गया क्या, चल दूसरा ले लेते हैं, चलो ये देखो, सो व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल हुज टू साइड आर 7 सेंटीमीटर, एक तो 7 सेंटीमीटर है, एक साइड है 10 सेंटीमीटर। आप पूछा है कि जो थर्ड साइड है, ठीक है, वो हमें नहीं मालूम कितनी है, हमें पूछा कि मिनिमम उसकी लेंथ क्या हो सकती है और मैक्सिमम क्या हो सकती है। बच्चों आपको एक प्रॉपर्टी लर्न करनी होगी कि सम ऑफ टू साइड्स इन ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल है, अगर उसमें टू साइड को ऐड कर दिया जाए तो थर्ड साइड से क्या होता है, ग्रेटर होता है। अगर मान लीजिए जैसे यहां पर 10 और 7 को ऐड करता हूं तो ये ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, यानी यहां पर ये आएगा 17 आ जाएगा, 10 + 7 17 हो गया ना, तो 17 ग्रेटर होना चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, 16 हो जाएगी। 17 भी नहीं रख सकते, दोनों इक्वल होंगे तो ट्रायंगल इम्पॉसिबल है, और ग्रेटर तो हो ही नहीं सकती, तो मैक्सिमम वैल्यू तो हो सकती है 16 बच्चों, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 16, अगर ये है तो इन दोनों का सम क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो ये हो गई आपकी। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकते हैं, मिनिमम वैल्यू तो मिनिमम मान लीजिए हम सबसे ये लेते हैं साइड, और यहाँ पर ये 10 और यहाँ पर है 7, तो यहाँ पर क्या ऐड करें कि इससे ग्रेटर हो जाए, ठीक है, क्या ऐड करें, तो मिनिमम कितनी होगी, तो 4 होगी, इससे आगे तो आप ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आगे तो आप और भी ले सकते हैं, भाई 10 है ना, 10 से ग्रेटर नहीं होता, 10 से ग्रेटर 11 होता है, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4, यहां पर मैं लिख देता हूं मिनिमम वैल्यू 4, सॉरी यहां पर गलत लिखा गया, मिनिमम ये, ठीक है, मैक्सिमम
मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 16, दिस इज द आंसर। आप इस तरीके से करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर, ये ट्रायंगल है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये एंगल ट्रायंगल के हैं तो इनको आप, ये फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल प्लस थर्ड एंगल, इनको प्लस करके 180 के इक्वल रखना है। वो एक्स को ऐड कर लीजिए, 3x हो गया। अब 20 प्लस 10 माइनस 30 हो गया और प्लस 15 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे और बड़े नंबर के सामने माइनस, इसलिए माइनस का आएगा माइनस 15, ठीक है। इस तरीके से माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब ये लेफ्ट साइड में माइनस है, राइट साइड में ले आओ, प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस का कर लेते हैं, 3x इक्वल 180 प्लस 15 और प्लस क्या, तो आ गया 195, ठीक है। क्या आ गया, 195 आ गया। x की वैल्यू निकालनी है आपको, 195 बाय 3, 3 से डिवाइड कर दो, 3 6 जाए 18, 1 बचा 5, 3 5 जाए 15, 65 आ गई। दिस इज द आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, ये रहा आपके सामने, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है इन ट्रायंगल एआरटी, मैं एआरटी बना लेता हूँ, इस तरीके से मैंने बना लिया, ये ए आर और ये टी, ठीक है। एंगल ए है 32 डिग्री, आर है 64 डिग्री, यहाँ पर 64 डिग्री, और टी है 84 डिग्री, यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देन विच साइड इज स्मॉलेस्ट, ये बताया ना स्मॉलेस्ट साइड कौन सी होगी। अब बच्चों ये ट्रायंगल के ऊपर मत जाना, ठीक है, ये मैंने हाथ से बनाया है, कोई इसमें जो साइड दी है उसको लेकर नहीं बनाया है। तो आपको सिर्फ एक प्रॉपर्टी लाइन रखनी है कि स्मॉलेस्ट एंगल के अपोजिट साइड स्मॉलेस्ट होती है। स्मॉलेस्ट एंगल क्या है 32, इसके अपोजिट साइड क्या रही आरटी, तो आरटी क्या होगी स्मॉलेस्ट साइड होगी, क्या होगी स्मॉलेस्ट साइड, यहां पर मैं लिख देता हूं ये आरटी, ठीक है ना। क्या क्या बोला मैंने, अपोजिट साइड ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल इज द स्मॉलेस्ट, जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसके अपोजिट साइड स्मॉलेस्ट होती है और जो ग्रेटर एंगल है उसके अपोजिट साइड ग्रेटर होती है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम द गिवन फिगर, ये फिगर दिया, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप देखो बच्चों, यहां पर मैं आपको बताता हूं, ये सी भी गिवन है, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। आप सिर्फ इस ट्रायंगल पर ध्यान रखिए, ये जिस पर मैं ब्लैक पेन चला रहा हूं, ठीक है ना, जिस पर मैंने ये ब्लैक पेन चलाया, इस ट्रायंगल पर आप ध्यान रखिए बस। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखो, आप ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये तो लूज होगा, चलो करते हैं ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए सी ई इज एन एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल ए सी ई, ए सी ई इज एन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है, यानी 5a इक्वल होगा अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल। ये मैंने बच्चों कई बार मैंने इसकी कंक्लूजन लिखवाया है, तो आप उसमें से देख लेना, ठीक है ना। अब ए को एक तरफ ले आओ, लेफ्ट साइड में ले आओ, 2a को भी इधर, इधर आकर ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ऐसे। 5a में से 2a माइनस करेंगे, 3a इक्वल 36, ठीक है, इधर कर लेते हैं, a की वैल्यू निकाल ले तो 36, 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर ये डिवाइड के फॉर्म में आएगा, डिवाइड कर लेते, 3 1 3, 3 2 12, a की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। दिस इज द आंसर, हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 25, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों, जिसकी तीनों साइड क्या होती हैं इक्वल होती हैं, ठीक है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। आगे कहता है एंड एक्स पी इज द मेडियन, एक्स पी इज द मेडियन, ये मेडियन हो गई। मेडियन क्या करती है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है, साथ ही वो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री पर करेगी बाइसेक्ट, ठीक है। अच्छा आगे लिखा है पी वाई,
2.5, py कितनी है 2.5 है। फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, बिल्कुल लीजिए बच्चों। पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए ठीक है, यहां पर मैं लिख भी देता हूं फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहां पर कोई भी हुआ, ठीक है ये, तो फॉर्मूला क्या होगा 3 into a, ये होगा, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होती है, हमें केवल एक ही साइड फाइंड आउट करनी है, एक ही साइड इनफ है, वन साइड इज इनफ टू फाइंड द लेंथ, ठीक है, वन साइड जितनी लेंथ है वन साइड क्या आएगी उतनी ही दोनों की होगी, इसकी अगर जो भी लेंथ आती है, अब इसकी 2.5 है तो इसकी तो 5 आएगी, ये 5 ये 5 ये 5, अब आप कहेंगे सर 5 कैसे आएगी, मैं बताता हूँ, यहाँ पर हमें निकालनी है वाई जेड की, तो वाई जेड क्या होगा, जो वाई पी है या पी वाई है उसका डबल हो जाएगा, ठीक है ना। मेडियन क्या करती है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देती है, ठीक है, इन ट्रायंगल मैं लिख देता हूं ए मेडियन, मेडियन बाइसेक्ट अपोजिट साइड, यहां पर इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, यहां पर अब देखो वाई जेड की वैल्यू 2 और YP की वैल्यू क्या है 2.5, 2.5 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पेरीमीटर निकाल लीजिए, पेरीमीटर बहुत इजी है, पेरीमीटर क्या होगा 3A, यानी 3 इंटू ए, ए ए यानी साइड, साइड कितनी है 5, 5 3 जा 15, 15 सेंटीमीटर आ गया बच्चों पेरीमीटर, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वीडियो कंप्लीट हो गई है, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।